पंडित जी कैसा रहने वाला शेयर बाजार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रुख कैसा रहेगा, सोने की चमक या फिर चांदी की चाल में किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, जब सब कुछ सकारात्मक है तो शेयर मार्केट कैसे उससे अछूती रह सकती है। देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का जब हम भारत भ्रमण हो रहा है, भारत के साथ अमेरिका की जब संधि हो रही है, जब मित्रता के हाथ बढ़ाए जा रहे हैं, अर्थनीति और राजनीति और व्यापार नीति के ऊपर हम हर कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली भारत का बाजार जो है उसमें खुशहाली आई हुई है। प्रकृति के पंकुलित फूल खिले हुए हैं। 29,000 का आंकड़ा हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पार कर चुकी है और इस बात में कोई दो राय नहीं कि 2 तारीख से पहले पहले अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे तो एक बात तय है कि 29,700 का आंकड़ा भारतीय बाजार जो है BSE जो है वो पार कर सकती है और नीचे का स्तर डेफिनेटली 28,400 बना हुआ है। मैं यहाँ पर एक बात हाथ जोड़कर अपने छोटे निवेशकों से कहना चाहता हूँ कि बाजार में कभी भी हलचल होती है। अगर आप अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हैं तो डेफिनेटली अगर आप अपने प्रॉफिट को आधा भुना लेते हैं, आधा कवर कर लेते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। अब हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी भी 8,800 का आंकड़ा बेटा पार कर चुका है, तो 8,950 का आंकड़ा, मैं तो कहीं ना कहीं 9,000 का आंकड़ा भी छूते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि भारत की कुंडली में काल सर्प दोष खत्म हो चुका है, भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा लगी हुई है, कहीं ना कहीं अमेरिका की कुंडली में चंद्रमा की महादशा लगी हुई है, तो कहीं वातावरण हर तरह से सकारात्मक है। और जब कहते हैं कि जब सकारात्मक समय होता है तो ललियां करे कबलियां रब सिद्धा पावे, ये पंजाबी में हमारे कहावत है कि कोई सिंपल व्यक्ति भी आगे बढ़ता है तो देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तो अभी तो वातावरण अच्छा है। अब हम बात करते हैं सोने की, तो सोने की चमक बढ़ रही है। सर, सोने की चमक जो है 28,000 का आंकड़ा छू चुकी थी, कहीं ना कहीं एक दो दिन में थोड़ी सी नीचे आई है, वापिस ये 28,200 का आंकड़ा पार कर जाएगी, नीचे का स्तर 27,600 का अभी भी बना हुआ है। चांदी में एज यूजुअल आई हैव बीन टेलिंग एंड रिक्वेस्टिंग ऑल माई व्यूअर्स कि चांदी में इन्वेस्ट करके बने रहें। चांदी 35,800 से मैं 40,000 रुपये तक ले आया हूँ और डेफिनेटली चांदी में आगे भी बढ़त जारी रहेगी। 39,000 से नीचे जैसे ही चांदी आती है फिर एक बार इन्वेस्ट करके बैठ जाएं। चांदी 42,000 रुपीज़ एक पर केजी हो सकती है, यानी $20 अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी के भाव जो हैं वो जा सकते हैं। अब बात करते हैं तेल की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। $98 से $44 पे लुढ़क गया, $46 के करीब करीब जूझ रहा है। कहीं ना कहीं 8 फरवरी 2015 के बाद में है तेल में वापस एक बढ़त बढ़नी शुरू हो जाएगी और तेल $56 के करीब करीब पहुंच जाएगा। मगर फिलहाल यह हफ्ता जो है तेल यहीं पर 2,850 से लेकर 3,100 के करीब करीब झूलता रहेगा। यहाँ पर मैं एक अपने दर्शकों को अनुरोध करना चाहता हूँ, हम भविष्यवाणियाँ करते हैं, हमारी भविष्यवाणी करते समय 29,000 डेफिनेटली BSE छू जाता है, NSE छू जाता है, तेल, सोना, चांदी, कमोडिटी में भी उसी तरह की भविष्यवाणियाँ होती हैं। मगर समय और पंडित राजकुमार शर्मा आपके लाभ और आपके हानि के जिम्मेदार नहीं हैं। आपसे अनुरोध है अपना दिमाग लड़ाएं, अपने विशेषज्ञ से कहीं ना कहीं सलाह लें, तब आप इन्वेस्ट करें। हमारी सलाह को भी प्राथमिकता दे, ऐसा कोई नहीं कि आप हमारी सलाह को प्राथमिकता ना दें, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पर महाज्योतिष में जो भी कहा गया वो सत्य हुआ है। इसी के साथ मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि राष्ट्र की शक्ति के लिए, राष्ट्र में शांति के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए जब भी भगवान के सामने सुबह प्रार्थना करें तो जरूर उस राष्ट्र के लिए प्रार्थना करें, उसी में ही हम सबकी भलाई है। जी बेटा।